तो दोस्तों आज आपको लेके आए हैं शिवाजी स्टेडियम कनॉट प्लेस के पीछे। ये नया भवन बना है और हमारे टाइम पे जब हम 10 साल 12 साल पहले आते थे इधर तो ये खाली जगह थी और ये इमारत बनी है, तो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोर्ड लगे हुए हैं शिवाजी स्टेडियम के, यहाँ पे जो बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है नया। और हम आए हैं शिवाजी स्टेडियम, पहुँचे हैं अभी कनॉट प्लेस के पीछे, तो चलते हैं आपको ले चलते हैं आगे को, घुमाते हैं कहाँ कहाँ तक आपको घुमा पाते हैं। ये शिवाजी स्टेडियम का बस डिपो है और यहाँ की रौनक। ये बस आ गई शिवाजी स्टेडियम वाली और यहीं पे कनॉट प्लेस का गोल चक्कर है, पास में है, ये कनॉट प्लेस है और ये शिवाजी स्टेडियम है, बगल में ही है। चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों पहुंच गए हैं कनॉट प्लेस। तो दोस्तों ये कनॉट प्लेस है और अब इधर को घूम जाएंगे बंगला साहिब की तरफ, आपको दिखाएंगे कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे बाज़ार भी लगा हुआ है, चलते हैं बंगला साहिब की तरफ। साइकिल से घूमना है, साइकिलें भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे श्री गणेश जी का मंदिर है, बंगला साहिब से पहले है ये। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया मंदिर है गणेश जी का, प्राचीन शिव एवं नवग्रह मंदिर। और यहाँ पे फ्लावर वगैरह भगवान को अर्पित करने के लिए सब इंतजाम फिट। जय श्री राम। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टैटू भी बन रहा है, टैटू बनवा रहे हैं मोरपंखी, मोरपंख का टैटू बना रहे हैं वैसे। और यहाँ पे देख रहे हो भीन बाजा वगैरह बजाते हुए और मोंकी महाराज आइसक्रीम खाते हुए। तो दोस्तों यहाँ खादी हाट है, सारे खादी कपड़ों से खादी चीज़ें मिलती है, खादी कपड़ों से। तो यहाँ बाज़ार है, नीचे अंदर जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत। बंगला साहिब से पहले कनॉट प्लेस के बगल में रीगल के साथ में ये पड़ता है, काफ़ी चारों तरफ का भी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, नया भारत का नया लुक, चमकता हुआ शहर। तो दोस्तों यहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर भी है, देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं प्रभु को। सर ये बार बार से ही आपको रूबरू कराए जा रहे हैं, जय बजरंगी। मंदिर के अंदर ले जाने वाले फ्लावर और पूजा सामग्री। तो यहाँ पे आपको कुछ खाना पीना है फेमस पुरानी दिल्ली का, तो आप खा सकते हैं, फेमस है यहाँ पे कचौड़ी वगैरह कुछ भी चाट। तो दोस्तों थाना है कनॉट प्लेस का। तो दोस्तों आप देख रहे हैं विचिको का बिल्डिंग, विचिको का बिल्डिंग है। यहाँ पे न्यूज वाले भी आ रखे हैं, तो दिखाई दे रहे हैं न्यूज वाले हैं, ये पूछ रहे हैं कुछ बोलो यहाँ पे, तो देखते हैं क्या पूछा जा रहा है यहाँ से। चलो तो दोस्तों आपको दिखाया जा रहा है कनॉट प्लेस के बगल में ही, चारों तरफ का रूबरू कराया जा रहा है आपको, और मीडिया भी यहाँ पे है, देखते हैं क्या पूछ रहे, सवाल जवाब हम भी कैद कर ले। नमस्कार दोस्तों, अंकल से यही पूछा जा रहा है, अंकल कितना कमाते हैं, गुजारा हो जाता है आपका, महंगाई कितनी है, तो यही सवाल किए जा रहे हैं। और 2024 में पीएम किसको चुना जाएगा, तो सबके जुबान में मोदी जी, उनके जुबान में भी मोदी जी है और मोदी जी ही बोल रहे हैं। चलो देखा जाए इनको क्या कह रहे हैं। गया, मिल गया।
तो अंकल जी ने बोल दिया मोदी जी है ग्रेट मैन, ग्रेट सुपरमैन मोदी जी। 2024 में मोदी जी वापस, बिल्कुल 2024 में मोदी जी वापस। तो चलिए सर, हमने थोड़ी सी ये भी दिखाया आपको बीच में एक झलक। तो दोस्तों ये कैपिटल पॉइंट है, कैपिटल पॉइंट की काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, हम आपको घुमाने जा रहे हैं बंगला साहिब तक और नज़ारे दिखाएंगे यहाँ के खूबसूरत और क्या क्या देखने को मिलेगा, करंटली ताज़ा क्या क्या हमें मिलेगा हम दिखाएंगे। तो दोस्तों कमेंट में बताना यहाँ का नज़ारा आपको कैसा लगा। चलते हैं, अभी बंगला साहिब बहुत दूर है, वहाँ आपको दूसरी वीडियो में पूरी दिखाएंगे और इस वीडियो में इतना ही आपको दिखाया जा रहा है और कुछ और दिखाते हैं, कुछ और आ रहा आगे से। तो दोस्तों LIC शिवाजी स्टेडियम आपको दिखाया जा रहा है, कनॉट प्लेस के बगल में ही है, बंगला साहिब से पहले मेट्रो स्टेशन भी है और LIC वालों का यहाँ पर नाम है, तो जाहिर सी बात है कुछ LIC का काम भी होगा यहाँ। तो दोस्तों पहुँच ही गए हैं बंगला साहिब, तो यहाँ पे एक टावर है जी, टावर कमेंट में बताइए, हमें भी नहीं पता कौन सा है। तो दोस्तों आपको लेके आए हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा कनॉट प्लेस के पीछे और गोल डाक खाने के करीब, आज आपको बंगला साहिब से रूबरू कराएंगे जितना भी हो सकेगा। यहाँ वीडियोग्राफी थोड़ी मना है अंदर, तो आपको बंगला साहिब के बाहर से दिखाया जा रहा है नज़ारा और एक बारी चारों तरफ का नज़रिया भी दिखा देते हैं बंगला साहिब के यहाँ का। तो आप लोगों को चारों तरफ का नज़रिया बंगला साहिब के सामने का दिखाई जा रहा है, तो दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या दिखाने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको खूबसूरती दिखा रहे हैं बंगला साहिब की और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है, अंदर से भी, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है इसलिए बाहर से ही आपको दिखाया जा रहा है बंगला साहिब। तो काफ़ी टाइम पहले हम इसमें गए थे लेकिन यहाँ अलाउ नहीं था, अब है या नहीं है अभी भी नहीं होगा कैमरा अलाउ, तो आपको थोड़ी बाहर से रूबरू कराया जा रहा है। तो दोस्तों एक झलक इस साइड को भी आपको दिखाया जाएगा और जहाँ जहाँ आपको दिखा सकते हैं बार बार से वहाँ तो हम आपको दिखा ही सकते हैं, कहे तो देखते हैं कहाँ तक आपको दिखा सकते हैं बाहर से ही। और एक झलक यहाँ से भी खूबसूरती दर्शाई जा रही है, बंगला साहिब ये पहले से ही नाम वाला है और अब तो और बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया वातावरण, बहुत बढ़िया बंगला साहिब, नंबर 1 गुरुद्वारा इसको कहा जाता है। वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी। तो दोस्तों एक नज़ारा इस तरफ भी दीवार है ये गुरुद्वारा के बाहर की बॉर्डर। तो दोस्तों ये गोल डाकखाना है, पुराना गोल डाकखाना, पुराना पोस्ट ऑफिस, दिखाते हैं इसको भी आपको और एक बारी चारों तरफ से रूबरू करा देते हैं। बंगला साहिब और ये गोल चक्कर गोल डाकखाना बरोबर में ही है। तो दोस्तों ये है गोल डाकखाना, आपको आज गोल डाकखाना भी दिखाया जाएगा, चलिए घुमाते हैं इसके। दोस्तों ये ईसा मसीह का भी यहाँ चर्च है। दोस्तों ये गोल डाकखाना है, सारे पेड़ पौधों से छुप गया है, पहले चमकता था अब थोड़ी पेड़ पौधे बड़े हो चुके हैं तो दिखाई कम देता है। तो उसी के ठीक सामने ये चर्च भी है, पढ़ लीजिए आप, स्क्रेड हाइट। तो दोस्तों चले गए हम चर्च के अंदर और आपको रूबरू करा रहे हैं, थोड़ी आज चर्च ही दिखा देते हैं आपको। इन लिविंग मेमोरी पढ़ सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा चर्च का, गोल चक्कर के सामने ही है, गोल चक्कर के अटैच में ही है, बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा नज़ारा यहाँ का। और एक तस्वीर यहाँ पे ये भी, और यहाँ पे भी बढ़िया बना रखा है जी, देख लो ईसा मसीह जी का है, हम जानते नहीं हम दिखा रहे हैं आपको लेकिन देख सकते हो, बहुत खूबसूरत। और एक बार ये पढ़िए क्या कहते हैं ईसा मसीह जी, और एक दृश्य ये यहाँ पे फरमाया गया है ईसा मसीह जी को, जैसे
टाका था सीली पे कील ठोक के। तो यहाँ पे जरा ये पत्ता लगा हुआ है, पढ़ लीजिए। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा आपको, ईसा मसीह का दरबार है। चलिए जी, जरा आपको चर्च भी दिखाया जाएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ से तो दिखाई सकते हैं चर्च को। तो चर्च में कैसा होता है, आज हम भी पहली बार ही आ रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं। आज तक टीवी में ही देखा था हमने चर्च, तो आज रूबरू करा रहे हैं आप लोगों को भी। तो एक बार चर्च के अंदर आपको दिखाया जा रहा है बढ़िया से। हम भी पहली बार ही आए हैं आज चर्च के अंदर, आपको भी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये किताबें हैं, बाइबल जिसको कहते हैं, बाइबल होगी और ये बाइबल। चलो दोस्तों, आज आपको चर्च भी दिखाया है और उस साइड भी थोड़ी दिखाते हैं। बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, वातावरण नज़ारा बहुत बढ़िया आज दिखाने को मिला आपको, कुछ नया दिखाने को मिला, चर्च भी दिखाने को मिला। तो कोई नहीं, हमारा काम दिखाना है, आपका काम देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हो रखा है, ये गल्लर है क्या है, है तो कुछ गल्लर टाइप का। और एक दृश्य इस साइड से भी काफ़ी खूबसूरत है, ये बहुत बढ़िया बना रखा है, गोल चक्कर है, पुराना डाकखाना कनाट प्लेस के वहाँ पे। ये बेल बज गई है चर्च की, बेल बज गई है। तो दोस्तों एक तस्वीर यहाँ पे भी है, काफ़ी खूबसूरत। और एक बारी चारों तरफ का रूबरू करा रहे हैं हम आप, हमने आपको आज दिखाया है चर्च। तो दोस्तों चर्च कैसा लगा, आज पहली बारी हम भी गए चर्च पे और आज आपको भी पहली बारी दिखाया। बहुत खूबसूरत वातावरण, बहुत अच्छा। आज की डेट में तो भारत का शहर शहर चमक गया और बहुत बेहतरीन। और यहाँ चर्च की घंटी बज रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको चर्च, कमेंट में बताना ज़रूर। और काफ़ी अच्छी खूबसूरती है, इस समय शाम को या सुबह के टाइम में आते हैं इसके अंदर तो वातावरण बहुत बढ़िया, चारों तरफ का वैसे ही वातावरण बहुत हरियाली के साथ बहुत बेहतरीन बना रखा है। और आप लोग आए एंजॉय करें, घूमें फिरें, देखें। और आप लोगों को चर्च कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। और दोस्तों यहाँ पे CBCI सेंटर एंड क्रिस्ट इंडिया का है और ये चर्च के बरोबर में ही है, चर्च के बाहर का गेट के नज़ारा के। तो दोस्तों ये सबसे पुराना डाकघर है, गोल डाकघर बोलते हैं इसको, गोल है बिल्कुल, गोल बनावटी में गोल है। और ये कनाट प्लेस से आगे है, ठीक है। और दिखाते हैं आपको गोल डाक खाना, ये गोल डाक खाने के चारों तरफ का आपको नज़ारा दिखाया जा रहा है, सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस। आप देख रहे हैं गोल डाक खाना, गोल डाक खाना देख रहे हैं आप। ये इस साइड का गेट है, खुला हुआ है, इस साइड का गेट है, खुला हुआ है, देख रहे हैं। तो दोस्तों गोल डाक खाना एक बारी दूर से रूबरू करा रहे हैं आपको, गोल डाक खाना दूर से रूबरू करा रहे हैं, भूल जा रहे हैं माइक लगाना, यहाँ से बस पकड़ेंगे हम। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें, सुरक्षित चलाएं।